एक शख्स ने कुत्ता फरोश से पूछा, इस कुत्ते में वफादारी का मादा भी है या नहीं? कुत्ता फरोश, बिल्कुल जनाब, 3 बार फरोख्त कर चुका हूँ, ये फिर से भागकर मेरे पास आ जाता है। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही फनी लतीफे लेकर आया हूँ, तो चलो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। एक दुकान मालिक ने दूसरे दुकान के मालिक से पूछा, सुनाओ भाई कारोबार कैसा चल रहा है? 50-50। उसने जवाब दिया, क्या मतलब? दूसरा बोला, सुबह एक ऑर्डर मिलता है, शाम को एक ऑर्डर कैंसिल हो जाता है। एक आदमी के सर पर बाल कहीं कहीं थे, चंद लड़के इसके पीछे आ रहे थे, इनमें से एक बोला, इन साहब ने तो सर पर घास उगा रखी है। ये सुनकर वो साहब बोले, तभी तो गधे मेरे पीछे आ रहे हैं। एक जिम्मेदार ने नया मुलाजिम रखा, एक दिन उसने देखा मुलाजिम भैंस को दूध पिला रहा है। जिम्मेदार ने गुस्से में आकर पूछा, ये क्या कर रहे हो, दूध चोने की बजाय पिला रहे हो? इस पर मुलाजिम ने कहा, दूध बहुत पतला था जनाब, मैंने सोचा दूध को एक चक्कर और दे लूं। एक शख्स एक नजूमी के पास गया और पूछा, ये बताओ अभी थोड़ी देर बाद क्या होने वाला है? उसने जवाब में कहा कि मुझे मालूम नहीं। उस शख्स ने इसके मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मारा और बोला, ये होने वाला था नहीं। एक मुकदमे में गवाहों के बयानात सुनने के बाद जज ने मुलजम के वकील से कहा कि मैं तुम्हारे मुवक्किल के खिलाफ जा रहा हूँ, तुम चाहो तो मुलजम को मजीद कार्रवाई से कबल इसको अलग ले जाकर मुनासिब मशवरा दे दो। ये सुनकर वकील मुलजम को लेकर अलग चला गया। थोड़ी देर बाद वकील अकेले वापस आया तो जज ने दरियाफ्त किया कि मुलजम कहाँ है। वकील ने जवाब दिया, वो तो भाग गया, मेरा उसे यही मशवरा था। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। थप्पड़ मारने पर शोहर ने नाराज बीवी को कहा कि इंसान उसे मारता है जिससे वो प्यार करता है। जवाब में बीवी ने 2 थप्पड़ मारे और बोली, आप क्या समझते हैं, मैं आपसे प्यार नहीं करती। एक खातून कार लेकर सर्विस स्टेशन पहुंची, कार में बेशुमार डेंट पड़े हुए थे। उन्होंने लड़के से कहा, यहाँ कार धोई जाती है? लड़का बोला, जी हाँ धोई जाती है, लेकिन इस्त्री नहीं की जाती। पंजाब यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार SP सिंह के 11 बच्चों के नाम का आखिरी हिस्सा सिंगा था। जब इनके यहाँ 12वां लड़का पैदा हुआ तो शौकत थानवी से मशवरा किया कि इसका क्या नाम रखूं। उस पर शौकत थानवी ने बेसाख्ता कहा कि आप इसका नाम बारा सिंगा रख दीजिए। भाई मारो, मुझे मारो, मारो। बीवी ने खावन से कहा कि आप अपने दोस्त की बीवी के जनाजे पर क्यों नहीं जा रहे, उसने आपको खास तौर पर बुलाया है, आप उसके जनाजे पर जरूर जाएं। खावन ने कहा, मैं नहीं जाऊंगा। अरे क्यों, आपका इतना गहरा दोस्त है, क्या ये अच्छा लगता है? खावन ने कहा, वो मुझे अपनी 4थी बीवी के जनाजे पर बुला रहा है और मैंने उसे आज तक एक पे भी नहीं बुलाया। एक लड़का अपने दोस्त से, यार मैं अपनी गर्लफ्रेंड को सालगिरह पर क्या तोहफा दूं? दोस्त, वो दिखने में कैसी है? लड़का, खूबसूरत। दोस्त, तो फिर मेरा नंबर दे दो। मस्त जोक मारा। एक भिखारी हाथ में तख्ती लिए भीख मांग रहा था, इस पर लिखा था, मैं बहरा और गूंगा हूँ। एक आदमी ने इससे पूछा, आप कब से गूंगे और बहरे हैं? उसने फौरन कहा, पदाइशी गूंगा बहरा हूँ। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। डाकिया एक मोहल्ले में एक लड़के से पूछता है कि ये फलां शख्स खालिद का घर कहाँ है? लड़का, फैसल के घर के सामने। डाकिया, फैसल का घर कहाँ है? लड़का, खालिद के घर के सामने। डाकिया, अच्छा तो इन दोनों का घर कहाँ है? लड़का, आमने सामने। एक कंजूस आदमी अपनी बाईं आंख पर हाथ रखकर जा रहा था। एक शख्स ने पूछा, क्या हुआ भाई तेरी आंख को? उसने जवाब दिया, कुछ भी नहीं, जब एक आंख से काम चल जाता है तो दूसरी क्यों इस्तेमाल करूं? तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें।